been on my grind. तो आज डैशबोर्ड में हम जो वार्निंग लाइट है उनकी बात करेंगे। तो वार्निंग लाइट में सबसे पहले आप जो लाइट यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली, ये है ब्रेक सिस्टम की। अगर ब्रेक सिस्टम आपका ओके है तो गाड़ी के चलते वक्त ये लाइट आपको दिखाई नहीं देगी। ये वार्निंग लाइट है एक्चुअली। और ये किस कंडीशन में आपको दिखाई देगी, जब आपकी गाड़ी बंद हो और आपने स्विच ऑन कर रखा हो, और दूसरा जब आपने पार्किंग ब्रेक लगाए हों, मतलब कि हैंड ब्रेक लगाए हों। इसके अलावा गाड़ी के चलते वक्त ये लाइट आपकी दिखाई देती है तो या तो आपका जो ब्रेक फ्लूड है वो कम है या ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी गाड़ी चलाते वक्त ये लाइट जो है जल जाती है तो आपने गाड़ी कैसे भी करके रोड के साइड में जाके रोकनी है। उसके बाद आपको देखना है, चेक करके ब्रेक पेडल दबा के आपने चेक करना है कि ब्रेक काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके ब्रेक काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको इग्नोर कर देना है, आपने नियरेस्ट सर्विस स्टेशन में जाके वो आपने चेक करवाना है और पता लगाना है कि ये लाइट जल क्यों रही है, किस प्रॉब्लम की वजह से जल रही है। जब तक सॉल्यूशन आपको मिल नहीं जाता तो आपने गाड़ी चलानी नहीं है, क्योंकि ब्रेक सही होना काफ़ी ज़रूरी है गाड़ी चलाते वक्त, ठीक है। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। और दूसरा मैं ये बात करूँगा इस लाइट की, ये जो लाइट है ये आपको बताती है ऑयल प्रेशर। ऑयल प्रेशर मतलब जो गाड़ी का ऑयल है, इंजन ऑयल है, उसका सही प्रेशर आ रहा है इंजन के अंदर, मतलब इंजन के अंदर सभी पार्ट को लुब्रिकेट कर रहा है। अभी ये मेरी गाड़ी की कीज़ ऑन है तो ये आपको लाइट दिखाई दे रही है, अगर जैसे ही मैं गाड़ी ऑन करूँगा तो ये बंद हो जाएंगी, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और सिर्फ ब्रेक लाइट वाली दिख रही है क्योंकि मैंने जो है हैंड ब्रेक ऑन कर रखे हैं, हैंड ब्रेक लगा के रखे हैं अभी। दूसरी वाली है, आपको ये जो है बैटरी का साइन दिख रहा है, ये वाली, इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, उस चीज़ का इंडिकेशन दे रही है आपको। ये भी आपको जब गाड़ी की कीज़ आप ऑन करेंगे तब आपको जलती हुई नज़र आएगी, अगर जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। अगर गाड़ी स्टार्ट होने के बावजूद भी ये अगर आपको ऑन दिखती है, इसका मतलब आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, या तो आपके अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है या फिर कोई वायर वगैरह लूज है, तो आपने इसको अपने सर्विस नियरेस्ट सर्विस स्टेशन में जाके दिखाना है। और ये जो लाइट दिख रही है आपको येल्लो कलर की, इसको हम सिंपल ए में चेक इंजन लाइट, इसको हम माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट भी बोलते हैं, और इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट भी बोलते हैं इसको। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, हमारी गाड़ी में इंजन मैनेजमेंट सिस्टम होता है कंप्यूटराइज्ड, इंजन की प्रॉब्लम को वो डिटेक्ट करता है, क्योंकि इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स होते हैं और एक ऑक्सीजन सेंसर हमारे साइलेंसर में लगा होता है, एग्जॉस्ट पाइप में लगा होता है, ठीक है। उन सबके फीडबैक से ये लाइट कनेक्ट रहती है, अगर सारे फीडबैक इसको इंजन को सही, मतलब इस कंप्यूटर को सही मिल रहे हैं तो ये लाइट आपकी चालू नहीं रहेगी। अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ये लाइट आपको जली हुई दिखाई देगी। तो ये लाइट भी जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे बंद हो जाएगी, अगर नहीं बंद हुई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इंजन के अंदर जो कि आपको दिखानी है सर्विस स्टेशन में जाके। और एक और केस है, अगर ये लाइट फ्लैश होती है, ब्लिंक होती है, आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है इंजन में बहुत ही ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, आपको जल्द ही नियरेस्ट सर्विस स्टेशन में जाके इसे दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली ये सिस्टम, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, एक तरीके का एमिशन कंट्रोल सिस्टम भी है। इस सिस्टम के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये आखिर में होता क्या है। और ये जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है ये सेल्फ डायग्नोसिस्ट, मतलब कि खुद का परीक्षण करने वाला सिस्टम होता है। अगर इसमें इस सिस्टम में भी कोई एरर आ जाएगा, कोई गलती, मतलब कोई फॉल्ट आ जाएगा, तो ये वार्निंग लाइट ऑन कर देगा। जब भी आपको ये वार्निंग लाइट मिलती है तो आपने नियरेस्ट सर्विस स्टेशन में जाना है और वहाँ जाके दिखाना है, वो कंप्यूटर लगा के गाड़ी में चेक करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये फॉल्ट जब होता है तो हमारा जो ECU है कोड जनरेट करता है, जो कोड जनरेट करता है वो कंप्यूटर इसके साथ अटैच करके ही उस कोड को हम पहचान सकते हैं, ऐसे हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है।
अब अभी मैं एक चाबी ऑफ करके ऑन करूंगा तो एक लाइट आपको दिखेगी जो थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। ये कूलेंट ओवरहीटिंग की वार्निंग देती है। अगर आप गाड़ी काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं, तो आपका जो कूलेंट है वो ओवरहीट हो जाएगा, और ओवरहीट हो जाएगा तो आपकी गाड़ी कूल नहीं हो पाएगी। तो ये उस चीज़ की वार्निंग दे रहा है आपको। एक्चुअली जो भी रेड कलर के इंडिकेशन है वो काफ़ी रेड, मतलब रेड को खतरे का निशान माना जाता है। रेड जो है काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं, येल्लो काम चल जाएगा, इसलिए इन जो लाइटों के कलर रेड और येल्लो दे रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं येल्लो स्टेयरिंग सा, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ रहा है, इसका मतलब है आपका पावर स्टेयरिंग की वार्निंग है ये। अगर आपका पावर स्टेयरिंग काम नहीं कर रहा तो ये आपकी गाड़ी चलाते वक्त जो है ये वार्निंग आ जाएगी, वार्निंग साइन आ जाएगा। और इसमें से ये सारी लाइटें, लगभग इसमें से सभी लाइटें जो है गाड़ी स्टार्ट होने पर बंद हो जाती है। और आप इधर देख सकते हैं, ये सीट बेल्ट की वार्निंग है। अगर आपने सीट बेल्ट अपनी बकल नहीं करी है तो ये लाइट ऑन रहेगी हमेशा। और आप इधर देख सकते हैं, ये वाली जो इंजन इमोबिलाइजर, ये एक काफ़ी काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है कार के अंदर, आजकल बाइकों में भी आता है। अगर आप किसी दूसरी की, अगर गाड़ी की खुद की की ना डाल के किसी और दूसरी गाड़ी की या कोई ऐसी डुप्लीकेट की डालेंगे तो आपका जो है इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड होता है, ये एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है। ये जो थी, ये सारी वार्निंग साइंस थे। और मैं बताता हूँ आपको कुछ इंडिकेटर्स लाइट का। अब जैसे आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट इंडिकेटर्स चालू हो गए, उसकी लाइट है ये राइट इंडिकेटर चालू हो गई, उसकी लाइट है। और अगर मैं हजार्ड लाइट जलाऊंगा तो ये दोनों एक साथ ब्लिंक होने लग जाएंगे। ये हजार्ड लाइट का इंडिकेशन है। जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगा, हाई बीम करूंगा, तो देख सकते हैं आप, हाई बीम की लाइट वहां पर चल चुकी है। और दोस्तों, ये थे कुछ डैशबोर्ड में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उसमें जो वार्निंग लाइट्स होती है उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स, ताकि आपको पता चल सके आप गाड़ी चलाते वक्त अगर आपके पास ये वार्निंग लाइट आते थे तो आप समझ सके कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो आशा करता हूँ कि आप इन वार्निंग लाइट्स का मतलब समझ चुके होंगे। अब आगे आपको अगर कोई ऐसी वार्निंग लाइट आती है तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही मैंने काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल में डाले हुए हैं, और ड्राइविंग से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस अपने चैनल में डाले हुए हैं, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।